वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल, स्पेशली ऑल द गर्ल्स। सो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है एंड हर साल हम लोग नवरात्रि में कितने अच्छे से रेडी होते हैं, डांडिया नाइट्स पे जाते हैं, दुर्गा पूजा पे जाते हैं। आई नो कोविड की वजह से ऑलमोस्ट आधे प्लान्स तो कैंसिल हैं सबके, डांडिया नाइट्स पे नॉट श्योर की होंगी या नहीं होंगी, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग रेडी नहीं हो सकते हैं, राइट? एंड गर्ल्स को मौका चाहिए अच्छे से रेडी होके फोटोज क्लिक करने का, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड अ लुक बुक फॉर दिस नवरात्रि एंड द बेस्ट थिंग इज मैंने इस बार कुछ भी मार्केट से नहीं लिया है, लाइक एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है। मैंने पुराने कपड़ों से ही कुछ न्यू क्रिएट करने का ट्राई किया है, लाइक मम्मा का दुपट्टा ले लिया, पापा का शर्ट ले लिया, सब क्रिएटेड लाइक 6 to 7 लुक्स एंड दीज आर अ मिक्स ऑफ लाइक इंडो वेस्टर्न लुक्स, प्रॉपर एथनिक लुक्स नहीं है ये। एथनिक लुक्स के लिए यू कैन ऑब्वियसली वेयर घाघरा और चोली और सूट्स, बट येस आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक इंडो वेस्टर्न लुक्स। सो आई होप यू विल एंजॉय इट एंड लेट्स सी द लुक्स नाउ। Hey guys, so this is the first look of this lookbook and this is super easy, super quick and super fun as well. So iske andar aapko kuch nahi karna, if you have a long skirt just wear that and pair it up with a spaghetti and aap koi bhi basic spaghetti le sakte ho. I'm wearing this white spaghetti here and then wo bahut adhura lag raha tha, so I thought mamma ka dupatta lete hain and this was like a really colorful dupatta, so I thought it will be best for this navratri look. सो दुपट्टा लगा पहनते ही सी आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है एंड देन आई एम यूजिंग दीज एक्सेसरीज लाइक द वाइट झुमकास टू मैच विद माई टॉप एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑब्वियसली वेयर बैंगल्स। आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी नेचुरल एंड वेरी सिंपल। इज मूविंग ऑन टू द सेकेंड लुक नाउ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, इट्स सो सिंपल येट सो एलिगेंट। तो इसके अंदर आई एम अगेन वेयरिंग दैट सेम लॉन्ग स्कर्ट, बट दिस टाइम आई एम पेयरिंग इट विद वाइट ओवरसाइज शर्ट विच इज़ ऑब्वियसली नॉट माइन। तो मैंने पापा की अलमारी खोली एंड उसके अंदर वाइट शर्ट दिखी मुझे एंड आई डिसाइडेड टू पेयर इट अप विद माय लॉन्ग स्कर्ट। सो गाइज, आप इसको एक साइड से ऑफ शोल्डर कर सकते हो एंड देन यू कैन वेयर अ चोकर एंड मे बी सम ऑक्सीडाइज इयर रिंग्स एंड अ रिंग। सो इधर यू कैन वेयर रिंग और बैंगल्स, कोई भी एक चीज़ आप इसमें से पहन सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड लुक। थर्ड लुक में अगेन आई एम टेकिंग दैट सेम स्कर्ट, बट दिस टाइम आई एम वेयरिंग इट एज अ ड्रेस, येस दैट सेम स्कर्ट। एंड देन मैंने उस शर्ट को ओपन करके रखा है लाइक अ श्रग एंड देन स्कर्ट बहुत फ्लैट लग रहा है तो उसके साथ मैंने एक बेल्ट लगा के जितने भी उसकी गैदरिंग्स थी उसको आगे की साइड कर लिया है सो दैट थोड़ा फ्लोई लगे स्कर्ट। एंड देन यू कैन ईदर कीप इट लाइक दिस और यू कैन ऐड अ डेनिम जैकेट विद दिस, दैट जस्ट कंप्लीट्स योर लुक। एंड विद दिस अगेन आई एम वेयरिंग दो सेम वाइट झुमकास, इट इज़ गिविंग सच अ बोहेमियन वाइब। Let's move to the fourth look now. Fourth look is very simple. I'm just wearing a black palazzo and a crop top. I'm obviously wearing a bright color because of the festive season. And then uske saath maine earrings liye hai like big hoops with tassels to give some color. And I've kept it really simple. So for the fifth look, I'm wearing that same black palazzo and I'm wearing a black spaghetti with that. But black spaghetti ko maine aage se fold kar liya so that it looks like a crop top. So guys, since I'm wearing all black, I just wanted to give it some color. So I'm taking that same dupatta from the first look, like same meri mamma ka dupatta, which is very colorful. So I thought that would be perfect for this look. And wo thoda flat lag raha tha, like aap usko fold karke aage ki side wear kar sakte ho. And if it's looking flat, then just use a belt. And see, maine bas belt wear kara hai and kitna acha lag raha hai ye. एंड देन यू कैन मे बी वेयर सम कलरफुल बैंगल्स बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं अच्छा लगता अकॉर्डिंग टू द फेस्टिव सीजन। सो आई एम जस्ट वेयरिंग दोज कलरफुल बैंगल्स एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग ऑक्सीडाइज इयरिंग्स बट विथ कलरफुल टैसल्स। सो दिस लुक इज ऑल्सो कम्प्लीट नाउ।
So guys, moving on to the last look of this lookbook. This is one of my favorite looks. And this is again very, very simple, very easy. And we don't need much for this look. For this look, I'm wearing that same black spaghetti. And you can either wear that same palazzo or black pants if you have. And मैंने फुलकारी दुपट्टा लिया है. You can take any colorful dupatta and उसको दो साइड से आपको knot बांधना है. So guys, now अभी knot बांधने के बाद you just have to wear it like a shrug. That's all for this look. It was so simple and so easy और सबसे ज़्यादा colorful and festive vibe देगा ये आपको look. So guys, this look is almost complete now. आप इसको ऐसे भी wear कर सकते हो और you can just add a belt. See, it looks so stylish and थोड़ा कुर्ती की तरह भी लगता है, like the high low कुर्तीज. आगे से ये high रहेगा and पीछे से obviously low रहेगा and it looks so beautiful and so elegant and बहुत flowy भी लगता है. इसके साथ I am wearing colorful jhumkas, also wearing those oxidized bangles and a ring. Aap ring skip kar sakte ho if you want, and this look is all complete now. Thank you so much for watching today's video, guys. I hope you have enjoyed it as much as I have enjoyed creating these looks for you. And let me know which one is your favorite. My personal favorite is this one, the one I'm wearing. It's super easy, super quick. And super cute as well. I really like this look. आप मुझे बताओ आपको कौन सा look अच्छा लगा. And if you like this video, please hit the like button, subscribe to my YouTube channel, and please guys share it with your friends. Also follow me on Instagram as well. Till then, I will see you in my next one. Okay guys, thank you so much for. Ciao.